I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आपने बहुत सुना होगा, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मारा गया, कातिल मारा गया, अपराधी मारा गया, और ये शब्द अंग्रेजी का भी बहुत सुना होगा, एनकाउंटर। लेकिन इसके और भी अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो मुठभेड़ है ही, जो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन बाकी की चीजों की जानकारी आपको नहीं होगी। एनकाउंटर माने मुठभेड़, जिनको नहीं आता है वो समझ लें। द क्रिमिनल वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर, यहां नाउन के बतौर इसको इस्तेमाल किया गया है, संज्ञा के बतौर इस्तेमाल किया गया है, विद पुलिस, अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब देखें दूसरा अर्थ, मुठभेड़ के सिवा, अचानक किसी से सामना होना, किसी से अचानक संयोग से सामना हो जाए, जैसे मान लिया आपका भूतपूर्व प्रिंसिपल है अचानक सामने पड़ जाए, या पहले अब आप तलाकशुदा हैं और आपकी पूर्व पत्नी सामने आ जाए अचानक, तो इस प्रकार से अचानक किसी से मुलाकात हो जाना, सामना हो जाना, इसकी अंग्रेजी भी यही बनेगी, आई एनकाउंटर्ड माई मैनेजर यस्टरडे, कल मेरा मैनेजर से सामना हो गया, प्रबंधक से सामना हो गया, यानी मुझे वो अचानक मिल गया, मुसीबत से मुकाबला होगा। आई हैव एनकाउंटर्ड मैनी डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, मेरा मुसीबतों से कितना सामना हुआ है अपनी जिंदगी में, कितनी मैंने झेली है, फेस किया है कितनी ही मुसीबतों को। आई हैव एनकाउंटर्ड मैनी डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, कितनी ही मुसीबतों को मैंने जिंदगी में सहन किया है। चौथा अर्थ देखें, भेंट या मुलाकात, ये भी नाउन है, मैंने वी और एन लिख दिया है हर जगह, मैं जब भी वी और एन लिखूं, एन का मतलब नाउन है और वी का मतलब वर्ब है, भेंट या मुलाकात। देखें आई फेल्ट दैट आई न्यू हर वेरी वेल, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे बहुत पहले से अच्छी तरीके से जानता हूं, इवन आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर, एक छोटी सी, ब्रीफ माने छोटी सी मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे अच्छी तरीके से पहले से ही जानता हूँ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।